हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अपडेट है आप सबके लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूएई का जो वीज़ा है एक महीने का है या 14 दिन का है या 2 महीना 3 महीना हो गया, जॉब सीकर वीज़ा या मल्टीपल एंट्री जो 5 साल का वीज़ा है, सारी चीज़ें अभी मिल रही हैं, यानी कि सारे वीज़ाज इशू हो रहे हैं, वर्क वीज़ा भी इशू हो रहे हैं। बहुत अच्छी अपडेट है। लेकिन क्या बात है, मैं बता दूँ, मसला जो अभी आ रहा है वो अदर एमिरेट्स को लेके आ रहा है। अगर आप अपना वीज़ा दुबई से इशू करवाते हैं, जैसा कि एमिरेट्स हो गया या दुबई का है, और भी कई सारे जो एजेंट्स हैं, बड़े बड़े एजेंट्स हैं दुबई में, यानी कि बोल सकते हैं गवर्नमेंट लाइसेंस्ड एजेंट्स हैं, उनसे अगर आप वीज़ा लेते हैं, या आप अपने होम कंट्री में भी जो लोग दुबई से वीज़ा लेते हैं, वहाँ का वीज़ा इजीली आ रहा है, वर्क वीज़ा भी दुबई का आ रहा है, कोई भी मसला उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन अदर जो एमिरेट्स हैं, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया, यहाँ से भी बहुत लोग वीज़ा लेते हैं, स्पेशली शारजा और अबू धाबी से, ठीक है, यहाँ से भी बहुत लोग वीज़ा इशू करवाते हैं, फ्रेंड्स भी हमारे लेके देते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अदर एमिरेट्स यानी कि दुबई को छोड़ के अदर जो एमिरेट्स हैं, वहाँ पे अभी वीज़ा रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दुबई में जो भी प्रॉब्लम था, सारी चीज़ें अब इजी हो गई हैं, जो प्रोसेसिंग टाइम भी था उसको भी धीरे धीरे कम किया गया है। 5 साल का मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है वो भी बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। मेरे पहचान के भी कुछ लोग हैं जिनको रिसेंटली 5 साल वाला वीज़ा मिल गया है, और 2 महीने का भी वीज़ा मिला है जिसको 60 डेज का बोलते हैं। टूरिस्ट वीज़ा तो इजीली आ रहा है दुबई का, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बोल सकते हैं कि अगर आप दुबई से अपना वीज़ा लेते हैं, या फिर आपका जो भी एजेंट है आपके होम कंट्री में दुबई का वीज़ा लेता है, तो फिर अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम भी पहले जैसे बीच में हो रहा था 15 दिन 20 दिन लग जा रहा था, तो वो भी अभी काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है दुबई का वीज़ा लेने वालों के लिए। वर्क वीज़ा की अगर बात करें, तो कंपनी अगर आपको वर्क वीज़ा सेंड करती है, वर्क वीज़ा आपका इशू करवाती है यहाँ से, तो भी दुबई का वर्क वीज़ा जो है वो इशू हो रहा है, कोई भी मसला उसमें भी नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्क वीज़ा नहीं आ रहा। देखिए, अगर आपकी सिटी बैंड है, ठीक है, अगर आपकी सिटी बैंड है, बहुत सारी सिटीज़ यूएई ने बैंड रखी है अभी भी, यानी कि वहाँ पे वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, तो फिर आपका वीज़ा नहीं आएगा। विजिट वीज़ा में काफ़ी सारे फिल्टर्स किए गए हैं, जैसा कि आपके ऊपर कोई एब्सकॉन्डिंग का केस है, कोई यहाँ पे क्रिमिनल केस था, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का बैंड है, या फिर आप यहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आपके ऊपर है, तो वो फिल्टर को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं, या पहले आए थे लेकिन कोई भी केसेस ऐसे आपके ऊपर नहीं है, तो और बैंड सिटीज से नहीं है, तो फिर आपका वीज़ा दुबई का इस लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।